मैं समझता हूँ देखी जा सकती है फिल्म, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की फिल्म है, मतलब एक तरह सुपर हीरो टाइप की फिल्म है लेकिन थोड़ी सी अलग प्रकार की है। मतलब आपको अगर देखेंगे मेरे ख्याल से अगर किसी ने वो 2008 की हैंगकॉक देखी हो तो थोड़ी सी वही वाली फीलिंग आएगी हैंगकॉक वाली, कि कुछ भी करने लगता है, कहीं भी चला जाता है फिर फट भी जा रहा है, फिर वो मतलब वो थोड़ी सी उस तरह की चीज़ें आती है, फिर उसको कोई मार रहा है तो फिर उसने उसको मार दिया और उस जगह हैंगकॉक में जो होता है उस प्रकार का थोड़ा सा देखने को मिलता है। अलग की थोड़ी अलग अलग फिल्म है, डीसी की ये फिल्म है, मज़ा आया देखने में वैसे तो मैं कहूँगा, क्योंकि विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे इसलिए देखने में अच्छा लगा। वीएफएक्स सीन्स बहुत बहुत ही बढ़िया ढंग से बनाए गए हैं, बहुत बढ़िया क्रिएट किए गए हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं। मैं समझता हूँ कहानी और स्क्रीन प्ले के हिसाब से फिल्म थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, डायरेक्शन ठीक है फिल्म का लेकिन मैं समझता हूँ कहानी थोड़ी और बेहतर होती है, मज़ेदार ढंग से बनाया जाता है, ज़्यादा बढ़िया होता। मैं समझता हूँ ये बच्चों के हिसाब की ज़्यादा फिल्म है, ये कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ, पर हालांकि एग्जैक्ट वैसा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाँ डीसी ने वैसे भी पिछले कुछ वक्त में कोई बहुत गजब फिल्में नहीं दी हैं, तो हिसाब से डीसी ने ठीक ही है काम किया हुआ। थोड़ा सा काम मुझे ऐसा लगा ऐसा मार्वल के स्टाइल पर थोड़ा सा डीसी आने की कोशिश कर, शाज़ाम से भी कोशिश करी थी उसने मार्वल के स्टाइल में आने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाँ ठीक है उस हिसाब से ठीक है। एक्वामैन जो है डीसी की काफ़ी बेहतर लगी थी, ये फिल्म मुझे उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लगी है, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि उतनी ज़्यादा बेहतर मुझे फिल्म नहीं लगी और बेहतर हो सकती थी। ड्वेन जॉनसन की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, कैमरा वाइज उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी उन्होंने दमदार सी करी लेकिन एक्टिंग वाइज तो बहुत ही बुरे हैं हमेशा की तरह, तो एक्टिंग उन्होंने इतनी कुछ खास नहीं की है फिल्म के। 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? 5 में से मैं जो है फिल्म को 3 स्टार दूंगा।